सैटरडे को हमें वार्ड से 3 pounds पर आवर एक्स्ट्रा मिलता है, और संडे की और अगर हम संडे का जिक्र करते हैं तो संडे को हमें वार्ड से पर हाय गाइस, तो स्वागत है आप सबका चौहान यूके वाइब्स में, और मैं हूं निकिता। जैसे कि संदीप ने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की टाइमिंग्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम में कौन कौन से मेंबर होते हैं, और आप इन बिटवीन वर्क आपको कौन कौन से आपको कोर्स ऑफर किए जाते हैं और कौन कौन से कोर्स होते हैं, तो इन सब के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं रॉयल फ्री हॉस्पिटल में काम करती हूँ और मेरा डिपार्टमेंट है आईसीयू। तो मैं आपको बताऊंगी कि जब मैंने रॉयल फ्री हॉस्पिटल में आईसीयू डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था ओस्की के बाद, तो मेरे को एक कॉम्पिटेंसी मिली थी जिसको हम सुपर न्यूमरी कॉम्पिटेंसी कहते हैं। जो सुपर न्यूमरी पीरियड होता है वो 3 weeks का होता है, जिसके अंदर आपको अपना डिफरेंट क्राइटेरिया मीट करना होता है। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि पेशेंट को आपको इंडिविजुअल पेशेंट नहीं मिलता है इस टाइम पीरियड में, आप किसी ना किसी सीनियर के अंडर काम करते हैं, वो आपका सारा काम सिखाते हैं, तो वो आप सबको जो है किसी सीनियर के अंडर काम करना होता है इस सुपर न्यूमरी पीरियड के अंदर। तो उस सुपर न्यूमरी पीरियड के अंदर क्या होता है कि आपको बताया जाएगा कि पेशेंट को कैसे, पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, पेशेंट केयर कैसे करना है, बहुत सारी चीजें जो पेशेंट केयर में आती है, पेशेंट को रोल कैसे करना है, पेशेंट को ट्रांसफर कैसे करना है, पेशेंट को लीड्स कैसे कनेक्ट करनी है, सक्शनिंग कैसे करना है, ओरल केयर कैसे करना है, प्यूपिल्स कैसे चेक करने हैं, पेरिनियल केयर कैसे करना है, ये सब कुछ आपको बताया जाता है इसके अंदर। तो जैसे ही आपके 3 weeks के अंदर ये सुपरनुमेरी कॉम्पिटेंसी जो है आपकी खत्म होती है, उसके बाद आपका पोस्ट सुपरनुमेरी पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको इंडिविजुअल पेशेंट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको इंडिविजुअल पेशेंट मिलने स्टार्ट होते हैं, तो जो पेशेंट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसके लिए डिसीजन लेते हैं, आप उसकी केयर करते हैं। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आईसीयू की टाइमिंग्स क्या होती हैं। आईसीयू में, मेरे आईसीयू में 2 shifts हैं, लॉन्ग डे और नाइट शिफ्ट, और आई थिंक हर जगह यही शिफ्ट होती हैं। वो जो जो नॉर्मल जो रेगुलर शिफ्ट्स होती हैं वो सिर्फ सीपीई जो होते हैं, जो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए होती है। बाकी जो हम स्टाफ नर्सेज हैं, हम लोगों के लिए 2 shifts होती हैं, लॉन्ग डे और नाइट शिफ्ट। तो लॉन्ग डे जो होता है वो स्टार्ट होता है मॉर्निंग 7:30 टू इवनिंग 7:30, और जो नाइट स्टार्ट होती है वो इवनिंग 7:30 टिल मॉर्निंग 7:30 तक होती है। तो मैं बताना चाहती हूं कि हमारा काम कैसे स्टार्ट होता है। जैसे ही आप लोग ड्यूटी पे आते हैं तो आपके जो सीनियर होते हैं वो आपकी ब्रीफिंग करते हैं, आपको ब्रीफ करके बताएंगे कि कौन सा बेड पे कौन सा पेशेंट है, कौन सेल्फ वेंटिलेटिंग है, कौन वेंटिलेटर पे है, क्या इन्फ्यूजन चल रहा है, क्या इन्फेक्शन है पेशेंट को, कौन सिक है, कौन स्टेबल है, ये सबको आपको ब्रीफिंग में बताया जाता है। तो उस ब्रीफिंग के बाद आपको पेशेंट एलोकेट होते हैं, आपसे लर्निंग नीड पूछी जाती है। अगर आपकी कोई लर्निंग नीड है तो आप अपने सीनियर को बता सकते हो, वो आपको उसी तरीके से पेशेंट एलोकेट करते हैं। तो उस एलोकेशन के बाद जब आप पेशेंट साइड में जाते हैं, आप हैंडओवर लेने के बाद आपका काम स्टार्ट होता है, आपको सबसे पहले जो आपका काम होता है वो होता है सेफ्टी चेक्स। सेफ्टी चेक्स के अंदर आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, आपको पेशेंट के बेड साइड पे चेक करना है कि इन्फ्यूजन्स कनेक्टेड है कि नहीं, चार्ज है नहीं, वेंटिलेटर चार्ज है या नहीं, प्री चेक है या नहीं, आपका आपके बेड साइड पे रिससिटेशन आर्टिकल्स जो है वो कंप्लीट है नहीं, सक्शन यूनिट जो है वो आपका काम कर रहा है या नहीं, आपके बेड साइड पे इनफ फ्लूइड्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होने चाहिए, ये आपका सेफ्टी चेक्स के अंदर आता है। सेफ्टी चेक्स इसलिए किया जाता है ताकि इन केस अगर कोई पेशेंट, अगर कोई पेशेंट सिक है और अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके बेड साइड पे सारे आर्टिकल्स अवेलेबल होने चाहिए। तो ये सेफ्टी चेक सिर्फ इसलिए किया जाता है। उसके बाद सेफ्टी चेक्स के बाद आपका आता है पेशेंट असेसमेंट। पेशेंट असेसमेंट जो होता है वो आपका जो हम लोग अपने आईसीयू में करते हैं वो ए बी सी डी ई असेसमेंट करते हैं। मैं आपको पूरा तो नहीं बता पाऊंगी, बट एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर, ये सब कुछ आता है ए बी सी डी ई असेसमेंट में। इसके अंदर आपको पेशेंट का एयरवे चेक करना होता है, पेटेंट है या नहीं, ब्रीदिंग चेक करनी होती है, कफ रिफ्लेक्स चेक करना होता है, पेशेंट का देखना है कि पेशेंट का कैपिलरी रिफिल कैसा है, पेशेंट आइनोट्रॉप्स पे है या नॉन आइनोट्रॉप्स पे है, ये सब कुछ आपको चेक करना होता है। डिसेबिलिटी के अंदर आपको देखना है कि पेशेंट को कोई पेन तो नहीं है, पेशेंट को कितनी लाइंस है, आर्टीरियल लाइन, सेंट्रल लाइन, एनजी ट्यूब, कैथेटर, ये सब कुछ
आपका जो आता है इन सब चीजों के अंदर आता है, और उसके अंदर आता है आपको पेशेंट की स्किन चेक करनी होती है, स्किन के अंदर आपको चेक करना जाता है कि पेशेंट के प्रेशर एरियाज इंटेक्ट है या नहीं, और अगर प्रेशर एरियाज इंटेक्ट नहीं है तो वो आपको अपना सिस्टम में नोट करना होता है कि प्रेशर एरियाज, जो भी प्रेशर एरियाज इंटेक्ट नहीं है वो आपको सिस्टम में मेंशन करना होता है और डेटिक्स करना होता है। डेटिक्स का मैं आपको लोगों को बाद में बताऊंगी डेटिक्स क्या होता है। उसके अलावा जैसे कि आपका एबीसीडी असेसमेंट खत्म होगा तो आपको रेगुलर जो आपकी नर्सिंग केयर है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि मेडिसिन देना, एबीजी करना, एनजी एस्पिरेट करना, पेशेंट का चेस्ट चेक करना, एब्डोमिनल साउंड चेक करना, और आर्टीरियल ब्लड गैस करना, और पेशेंट का पोजिशनिंग करना, सक्शनिंग करना, ये सब कुछ आपका रूटीन केयर में आता है। और जैसे कि मैं आपको लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरे आईसीयू में जो पेशेंट रेशो है वो 1:1 है, 1 patient 1 staff। तो जैसे कि आप लोग इंडिया में जानते हैं कि हम लोगों को 1:2 और 1:3 रेशो भी आईसीयू में दिया जाता है, तो यहाँ पे ये रेशो नहीं है, यहाँ का जो रेशो है वो 1:1 ही है। तो आप जो पेशेंट केयर होते हैं वो एफिशिएंटली आप पेशेंट केयर आप कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के, आप लोगों के सिर पे बर्डन नहीं होता कि आप लोगों को दूसरे पेशेंट का भी मेडिसिन करना है, दूसरे पेशेंट की भी पोजिशन चेंज करनी है, तो वो जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है। आईसीसी कोर्स, आईसीसी कोर्स के अंदर क्या होता है, आईसीसी कोर्स के अंदर आपका जो बेसिक्स होता है आईसीयू का, कि आपको वेंटिलेटर सेटिंग कैसे करनी है, एबीजी अगर आप करते हैं तो एबीजी की जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पेशेंट की वेंटिलेटर सेटिंग्स क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या चेंजेस है, पेशेंट एसिडोटिक है तो क्या चेंजेस करना है, पेशेंट एल्कलॉटिक है तो क्या चेंजेस करना है, तो ये सब कुछ जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपको आईसीसी कोर्स के अंदर सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो सबसे पहले आता है आपका आईसीसी कोर्स। जैसे ही आप अपना आईसीसी कोर्स का एग्जाम देके आईसीसी कोर्स पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद आप अपने आपको आईसीयू कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जो आईसीसी से एडवांस कोर्स होता है, उसमें आपको और भी चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक्स कोर्स होते हैं जो आपको आईसीयू के अंदर जब आप काम करते हैं तो आप इन सब, आपको इन सब कोर्स में एनरोल किया जाता है, और ये कोर्स आपको कंप्लीट करने नेसेसरी होते हैं, क्योंकि अगर आप इन कोर्स को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप फर्दर मीन्स बेंड 6 और बेंड 7 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बेंड 6 के लिए आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप आईसीसी और आईसीयू कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप बैंड 6 के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है। तो ये कुछ मेन कोर्सेज होते हैं जो आप आईसीयू के अंदर कर सकते हैं। बाकी डेली बेसिस पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सीखने को मिलती है, क्योंकि जो आईसीयू के अंदर होती है वो एक टीम होती है जिसके अंदर आपके स्टाफ नर्सेज होते हैं, नर्स इंचार्जेस होती हैं, आपके टीम लीडर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, हेल्थ केयर असिस्टेंट होते हैं, जो आपको हर चीज में हेल्प करते हैं। अगर आपको पेशेंट को रोल करने में हेल्प चाहिए होते हैं तो एचसीए होते हैं, नर्स इंचार्ज होते हैं, वो सब आपकी हेल्प करते हैं। तो ये सब कुछ था कि टाइमिंग्स क्या होती हैं, रेशो क्या है, टीम में कौन कौन से मेंबर होते हैं, और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो मैं बताऊंगी आपको कि हमारे आईसीयू में जो होता है, अगर हम 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, तो मैं अपने आईसीयू का बता रही हूँ, मेरे आईसीयू में अगर मैं लॉन्ग डे शिफ्ट करती हूँ तो मुझे 4 ब्रेक मिलते हैं। 4 ब्रेक मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप मॉर्निंग में जाते हैं, एक आपका फर्स्ट ब्रेक 9:00 से स्टार्ट हो जाता है, जो आपको फर्स्ट ब्रेक होता है वो 15 मिनट्स का मिलता है। सेकेंड ब्रेक जो आपको लंच ब्रेक मिलेगा वो आपको 30 मिनट्स का मिलेगा। जो थर्ड ब्रेक मिलेगा वो आपको टी ब्रेक मिलेगा, वो 15 मिनट का मिलेगा। उसके बाद जो आपको डिनर ब्रेक मिलता है वो आपको फिर से 1/2 आवर का मिलता है। तो इससे क्या होता है ना, आपको आपके ऊपर बर्डन नहीं आता, आप थकते नहीं हो, और आप अपना काम भी एफिशिएंटली कर सकते हैं। बहुत अच्छा फील होता है, आप रिफ्रेश हो जाते हैं, आप वॉशरूम जा सकते हैं, कुछ खाना पीना खाना होता है तो आप वो खा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि मतलब आपको थकावट नहीं होती है और बीच में रिफ्रेशमेंट भी मिलता रहता है आपको जब आपको ब्रेक्स मिलते हैं। और जो नाइट ड्यूटीज होती है, नाइट ड्यूटीज में आपको 3 ब्रेक मिलते हैं। जो फर्स्ट ब्रेक मिलता है वो आपको मिलेगा 30 मिनट का, और जो बाकी के 2 ब्रेक होते हैं वो 45 मिनट्स ईच होते हैं। उसमें आपको रेस्ट करना है, आप रेस्ट कर सकते हो, आपको कोई काम खत्म करना है, आपको अपनी कॉम्पिटेंसी साइन लेनी है, वो इट्स अप टू यू, आपको जैसे भी वो अपना ब्रेक यूज करना है आप वैसे वो ब्रेक यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आईसीयू और वार्ड में जो सैलरी का डिफरेंस है वो कितना होता है। तो अगर हम जो वीक डेज की अगर बात करें, तो जो हमें नॉर्मल रेट मिलता है
उससे वीक डेज पे हमें वार्ड से 2.5 pounds पर आर एक्स्ट्रा मिलता है। और अगर हम सैटरडे की बात करें तो सैटरडे को हमें वार्ड से 3 pounds पर आर एक्स्ट्रा मिलता है। और संडे की और अगर हम संडे का जिक्र करते हैं तो संडे को हमें वार्ड से पर आर 4 pounds एक्स्ट्रा मिलते हैं पर आर। तो इसी हिसाब से अगर हम आइडिया लगाएं तो जो हमारा पर मंथ का अगर जो हमारा ड्यूटीज का जो बनता है वो हमारा हमारा और जो आईसीयू का और जो वार्ड का जो डिफरेंस होता है वो 500 से 600 pounds हमें उनसे एक्स्ट्रा मिलता है। और रही बात ड्यूटीज की, जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे फुल टाइम वर्कर हैं और जो हमारे वर्किंग आवर्स है वो पर आवर 37.5 hours है। तो उसके अलावा हम लोग जो हैं अपने आप को एज अ बैंक स्टाफ भी रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब आप अपने आप को एक्स्ट्रा ड्यूटीज के लिए भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा ड्यूटीज के जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं। तो अगर आप वीक डेज पे अगर आप लॉन्ग डे या नाइट करते हैं तो उसके चार्जेस अलग होते हैं, प्लस टैक्स जो आपका कटता है वो कट के जो आपकी सैलरी आती है। और जो आप वीक डे वीक एंड्स पे करते हो वो सैटरडे संडे का आपका अलग चार्जेस मिलते हैं। और जो अगर आप एनुअल लीव्स पे हो और आप एक्स्ट्रा ड्यूटीज करते हो तो जो बैंक शिफ्ट करते हो उसके चार्जेस आपको अलग मिलते हैं। वो हर एक हॉस्पिटल का अपना अलग अलग मतलब जो NHS ने रेट सेट किया हुआ है वो होता है। तो ये सब कुछ है सैलरी के बारे में। तो वार्ड में और जो आईसीयू में है वो सैलरी डिफरेंस जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आपको वार्ड मींस आपको वार्ड में रहना है या आपको आईसीयू ट्रांसफर करना है। तो ये है एक आईसीयू का रूटीन, पूरा डिटेल में तो मैं आपको आज नहीं बता पाई हूँ, बट ये सब कुछ होती है बेसिक्स केयर जो आपको रूटीन में आपको पेशेंट को देनी होती हैं। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया है तो आपको आई होप सो इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। और आप संदीप के चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।